सोनाली फोगाट की गोवा में रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के आज गोवा में घटनास्थल पर पहुंचने की उम्मीद है। मामले के गोवा पुलिस के जांच अधिकारी पंजिम पहुंच गए हैं। सीबीआई टीम के साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञों के गोवा पहुंचने और जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के साथ ही मौका वारदात पर जाने की भी उम्मीद है। और हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्वेता, निश्चित तौर पे सीबीआई ने ये केस पूरा अपने हाथ में ले लिया है, साथ ही साथ कई ऐसे जो अब तक जांच हुई है, जितने डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे उनके घर से, उसे सीबीआई लेगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सीन है जहां पे ये घटना हुई थी उसके बारे में भी वहां पर भी सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक टीम जाएगी। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपसे साझा करना चाहूँगी कि इस वक्त हम पणजी में हैं और यहाँ पर गोवा पुलिस हेडक्वार्टर्स के समीप हम मौजूद हैं और यहीं पे जब सीबीआई और सीएफएसएल की टीम आएगी, दरअसल यहीं पे मुलाकात होगी और डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग होगी, ये यहीं पर होने वाली है। आपको बता दें, सबसे पहले ये केस गोवा पुलिस के पास था जहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ था मर्डर केस का, सोनाली फोगाट का। उसके बाद ये री रजिस्टर हुआ है अब सीबीआई के तहत। अब सीबीआई ने जैसे ही इस केस को री रजिस्टर किया है, चूंकि ये बहुत ही एक पेचीदा मामला हो गया है, एक हाई प्रोफाइल केस भी है साथ में, अब सीबीआई की टीम एक फॉरेंसिक टीम के साथ गोवा पहुंच रही है और यहां पर अब देखना होगा कि आखिर ये हेडक्वार्टर्स में कब पहुंचती है। आपको एक और जानकारी दे दे श्वेता, यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे गोवा पुलिस से प्रशल देसाई, वो सुबह ही अंजुना पुलिस स्टेशन वही है जहाँ पे कर्लीज रेस्टोरेंट पास में है जहाँ पे ये पूरी वारदात हुई उसके अंतर्गत आती है, वहाँ से निकलकर ये अपने हेडक्वार्टर्स पहुँच चुके हैं। साथ में ज़रूरी जो कागजात डॉक्यूमेंट्स थे एफआईआर रिलेटेड और ये पूरी मर्डर मिस्ट्री के रिलेटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आयो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर सीएफएसएल की टीम और सीबीआई के अधिकारी कब पहुँचेंगे। इसके साथ ही जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, ये देखना होगा श्वेता कि यहाँ पर विसरा कितना बड़ा एक भूमिका निभा सकती है। साथ में ये एक बार पुलिस से भेंट मुलाकात होगी, डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसे एक बार को जरूर सोचा समझा और परखा जाएगा सीबीआई के अधिकारियों द्वारा। उसके बाद उनकी सोनाली फोगाट के परिवार से भी बातचीत होगी, इसके बाद वो अपना केस आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब ये फेडरल को सबसे बड़ी जानकारी प्राप्त होने के लिए जितने भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो इनपुट्स इकट्ठा करके आगे की जितनी भी जांच है वो सीबीआई करने वाली है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं श्वेता, देखिए ये एक अहम जगह है जहां पर ये पुलिस का हेडक्वार्टर्स है, गोवा पुलिस के हेडक्वार्टर्स में काफ़ी कुछ चल रहा है और सीबीआई भी कुछ ही देर में यहां पर मौजूद होगी जहां पर जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो साझा किया जाएगा और जो इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ेगा। जी श्वेता वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।